कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो घट घट में बसे वाला राम के नाम लेते हुए हम विजया भारती अपना दर्शक लोग के हाथ जोड़ के कहतानी प्रणाम और हृदय से अभिनंदन। और राम भक्त और हनुमान भक्त हम अजीत आनंद आप सबन के प्रणाम करतनी और बिहाने बिहाने में आप सबन के स्वागत करतनी। हे महारानी। हाँ वत्स। रात में आपने जो रोटी बनाई शायद कच्ची थी क्या? वत्स आप बहुत ही ढोंगी और झूठे किस्म के इंसान हैं। आप मेरे महाराज के छोटे भाई होने के नाते मेरे देवर लगते हैं, इसलिए मैं कच्ची नींद में जाग जाग कर आपको 5-5 किलो आटे की रोटियां खिलाती हूँ। ना महारानी ना। और रोटी कच्ची है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ वत्स। अगर निरंतर आपका मेरे साथ यही व्यवहार रहेगा तो मैं आपको ये भोजन देना भी बंद कर दूंगी और मायके को प्रस्थान करूंगी। महारानी आप कहें तो मैं 2 मिनट के लिए आऊं? लग गई, कहीं नहीं जाना है जब तक बिहाने बिहाने खत्म नहीं हो जाता है। कंट्रोल करके बैठना है और अभी अपने दर्शकों को एक गीत भी सुनाना है। देखिए इनका मुंह, इनकी मुख मुद्रा देखिए, वाह 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 वाह। रुका 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 देवर जी। जी हाँ दर्शक लोग, तो आज के बिहाने बिहाने के सफर में कौन कौन सा व्यंजन परोसल जाई, ओकर कैसन कैसन स्वाद रही, खट्टा की मीठा की तीखा की चटपटा। जी हाँ, तो चलिए देखल जाओ आज के काबा व्यंजन, यानी के देखल जाओ एक झलक। आज रुआ सबके बतावे जा रहा बनी अस्थमा के बारे में। साड़ी चोली पहनली गहना आ देखली दर्पण वैरा। खासियत ई बा की ई लगभग पूरा साल खिरल रहेला। आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत ही आम बात हो चुकी है। झलक के पश्चात अब का इरादा बात देवर जी? हमारा तो ये इरादा बा देवर जी कि कुछ अच्छा सा, बहुत दिनों से मेरी तारीफ नहीं की गई है। कुछ दुनिया के लोग मेरी तारीफ करते हैं कि वाह विजया जी आप तो गजब की, मतलब अच्छी कलाकार भी हैं, इतना अच्छा खाना भी बनाती हैं, इतने अच्छे से घर भी संभाल लेती हैं और इतने उम्र दराज देवर को झेल भी रही हैं। लेकिन देवर जी आपके मुंह से तारीफ के एक शब्द कभी ना निकलेला। भौजी का कहीं कुछ सुनाई तरह के? हाँ सुनाओ ना, एगो गीत सुनाओ, का है परेशानी बा? अब तोहरे गुण गायम। अच्छा गावा। हाँ कैसे? हमरे गुण गैला में तोहर भलाई बा, गावा। बजाओ सचिन भैया, भोला भैया, अमित जी और मदन जी, बजाओ लो ललित जी। की भौजाई हो तोहर गुण गावलो ना जाला, की भौजाई हो तोहर गुण गावलो ना जाला, भौजाई हो तोहर गुण गावलो ना जाला, भौजाई हो तोहर गुण गावलो ना जाला, भौजाई हो तोहर गुण गावलो ना जाला। रतिया में देले रहलू कांचा कांचा रोटिया, तो वहीं से लेत हई चूल्हा बाबा के गोटिया। भौजी रतिया में देले रहलू कांचा
बिटिया तो वहीं से लेत हई चूल्हा बाबा के गोटिया। चल न जाला हमसे चल न जाला गोड़ पड़े ऊंचा खाला भौजाई हो तोहर गुण गावलो न जाला भौजाई हो तोहर गुण गावलो न जाला भौजाई हो तोहर गुण गावलो न जाला। भौजाई हो तोहर गुण गावलो न जाला 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 भौजाई हो तोहर गुण गावलो न जाला। हाँ वत्स, कैसा लगा गाना? वत्स ऐसा है कि पहला लाइन में तो बहुत दुनिया का दम था क्योंकि वो मेरी तारीफ में था। हाँ बस आगे जाके तारीफ थोड़ा गड़बड़ होने लगा। गड़बड़ हुआ? हाँ। नहीं माते, आपने जो जो काम किया उसको मैंने चलीसा बना दिया। बस ऐसा है कि जब इंसान अपने खाने के क्वांटिटी पर कंट्रोल नहीं करेगा, इतना के जगह इतना खाएगा तो पेट गुड़गुड़ाई भी न करी। मुहवा पर पहले अपने लगा ला तू ताला, तब कहिया भजाई हो तोहर गुण गवलो न जाला। खाना पीना के कंट्रोल में रखला के साथ ही आदमी अपना आपके स्वस्थ रख सकेला। देखा देखा ये बात मत कहो, एगो काम और बा का? जमना से स्वस्थ रही आदमी चाहे कतनो उरेब सुरेब खाई। अच्छा, और बताई कौन ची? समझ गए नहीं हम, लेकिन उरेब खाना ठीक बात नहीं खे। तो चली दर्शक लो, अब आगे हमने के बढ़ल जाओ और कई जाओ योग। नमस्कार, स्वागत बा रुआ सबके फिटनेस के योग के कार्यक्रम में। आज रुआ सबके बतावे जा रहल बानी अस्थमा के बारे में कि अस्थमा के योग द्वारा कैसे चिकित्सा होला। उतने मन से भी रोग संबंध बा एकर जितना के शरीर से बा। तो शरीर मन दोनों के स्वस्थ करे के उपाय एकरा में बतावल जाए। पहले हमनी के शुरू कर लिया आसन शुरू करे। वज्रासन में बैठ के पहले उष्ट्रासन कर लिए। उष्ट्रासन के अभ्यास घुटना के बल खड़ा हो जाए के बाद बायां हाथ के ऊपर से ले आके पैर के ऊपर रखे के बाद एड़ी पर, ऐसे ही दहिना हाथ के ले आके रखे के बाद दहिना एड़ी पर, पीछे जितना अधिक से अधिक हो सके देखे के प्रयास करे के बाद बहुत आराम आराम से, जकरा करे में दिक्कत हो के ओकरा धीरे धीरे करे के चाहिए। फिर वापिस दहिना हाथ के वापिस पहले ले आई जाए, फिर बायां हाथ के वापिस। अब ऐसे से शशांक भुजंगासन, शशांक भुजंगासन जन पीछे सरक के बैठ गया काम बा। हाथ ऊपर ले जाके सांस लेके हाथ ऊपर, सामने हाथ डाले के बट्टे शशांक आसन, ये से भुजंगासन, सांस लेत भुजंगासन। सांस छोड़ के शशांक आसन। अभ्यास के समाप्ति वापिस उठ के वज्रासन में बैठ जाए के बाद हाँ भाई, तो योग कैला के बाद एगो अलगे मजा बा, अलगे तंदुरुस्ती बा, मस्ती बा। अब भौजाई से हम बतियावेला के बानी, चाहे तू कतनो कांचा रोटी कांचा भात खिया लो, का कहे के बात है, लेकिन अब ई इंजन फेल हो गया ला नहीं के ई इंजन स्लीप ना होई। दर्शक लोग कहे कि योग हम कर रहल बानी, कर रहल बानी। अब तू बताओ हमरा के जे अतिथि के बुलाइबू कि ना बुलाइबू? अतिथि के बिल्कुल बुलाएब, अतिथि के एकदम तैयारी बा बुलावे के। नाम बताइबू कि ना बताइबू? बताए भी और मिलवाए भी और यहाँ गीत संगीत के महफिल जमाए भी।
साड़ी चोली पेनहनी गहनवा, साड़ी चोली पेनहनी गहनवा, साड़ी चोली पेनहनी गहनवा, आ देखली दरपनवाईरा, आरे तब हुना सूरत सुघर लागे, आरे तब हुना सूरत सुघर लागे, एक ही से नूरावा बिनाय राम, तब हुना सूरत सुघर लागे, एक ही से नूरावा बिनाय राम, साड़ी चोली पेनहली गहनवा, आ देखली दरपन वानेरा, साड़ी चोली पेनहली गहनवा, आ देखली दरपन वानेरा, तबहू न सूरत सुघर लागे, तबहू न सूरत सुघर लागे, एक ही से नूरावा बिनाय राम, कबहू न सूरत सुघर लागे, एक ही से नूरावा बिनाय राम। घरे अन धन सुनावा, बाबा घरे अन धन सुनावा, अब है, बाबा घरे अन धन सुनावा, आ गाड़ल बा खजान वानाए गाड़ल बा खजान वानेरा, तबहू न नई हर सुकून लागे, तबहू न नई हर सुकून लागे, एक ही ससुरवा बिनेरा, तबहू न नई हर सुकून लागे, एक ही ससुरवा बिनेरा, साड़ी चोली पेनहली गहनवा, आ देखली दरपन वानेरा, साड़ी चोली पेनहली गहनवा, आ देखली दरपन वानेरा, तबहू न सूरत सुघर लागे, तबहू न सुघर सुरत लागे, एक ही से नूरावा बिनाय राम, तबहू न सुरत सुघर लागे, एक ही से नूरावा बिनाय राम, तबहू न सुरत सुघर लागे, एक ही से नूरावा बिनाय सुघर लागे, एक ही से नूरावा बिनाय राम। वाह जी वाह जी वाह, का बात का बात का बात का बात, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका देवर जी, तो फिर का बात। दर्शक लो, आप लोग उनके दिल में घर बनावे वाला जे अतिथि के आगमन भइल बा, आप लोग पहले भी मिलले बनी, यहाँ के शुभ नाम बाटे घनश्याम उर्फ बबलू भाई हमने के आयल बढ़े, तो चले आपके स्वागत करता नहीं जाए और आपके प्रणाम बटे। हम भी विजय दीदी के प्रणाम करता नहीं, अजीत भाई के प्रणाम करता नहीं। बबलू भाई,
आपके अगर कुछ कुछ समय के अंतराल में आगमन ना होला, गीत संगीत की आवाज कान में ना पड़ेला, तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगेला अपना बिहाने बिहाने के अंगना में, हमरा दोनों देवर भाभी के और अपना दर्शक लोग के भी। ऐसा काहे? ये तो बस आप लोग का प्यार बा, स्नेह बा, आप लोग बुलाई ना हम दौड़ चलिए ना। सही सही में कहीं से दुमत नहीं खे। एक बात और हम दर्शक लोग से कहनी है कि खांटी माटी के लाल बबलू भाई बने, आप गांव में खूब लंबा समय तक रहल बनी? बिल्कुल रहल बनी। कितना दिन गांव में रहल बनी? हम बचपन से गांव में रहल बनी। अच्छा, तो अभी तो आप दिल्ली में रहनी ना? हाँ, अभी दिल्ली में आयल बनी। अच्छा, तो गांव में आपके गांव का देहलस का सीखने? गांव हमके बिल्कुल जना खाटी देखा था नहीं, माटी का गायक ऐसा गांव से हम हाँ जान ली अजीत भाई जी, कि हमारे घर घर में गायक हूँ वहाँ। अच्छा, कौन गांव है आपके? हमारा घर बटे युवराजपुर जी, गाजीपुर, जिला गाजीपुर बा। अच्छा अच्छा, घर घर में गायक? घर घर में गायक बा, हमारा गांव में अगर खपड़ा भी गिरला तो सुर में गिरेला। गांव में रह के लोग विधिवत सीखेला भी वहाँ पे साधन भाई का? बिल्कुल सीखेला आदमी। अच्छा, के गुरु जी बानी जे सिखावे नी चाहे? बहुत बना, अजय त्रिपाठी जी बाना, पप्पू सिंह बाना, हरविंदर सिंह सिब्बू बाला। अच्छा, और मनोज सिंह बाना। अच्छा, काफी आदमी बाला जे सपोर्ट करला सिखावेला। अगर जाने लगे लड़का में गुण बा कुछ गावता तो ले पर आज ही हम मंगलवार पे मंदिर पर हनुमान जी का। अच्छा, मंदिर पर? अच्छा, मंदिर पर मंदिर भगवान का नाम भी लिया ला, हर प्रकार का रियाज करिया छ। ऐसन भाग्य सब लोग के ना होला जेकरा गांव के लोग पकड़ के कहे जवना आदमी में प्रतिभा बा कि बाबू तू चल आजो मंदिर पर, आज रियाज भी कल जाये और भजन भी कल जाये, भजन भी कल जाये और ऐसन जगह पर जहाँ पर कि इनका हिसाब से हर घर में गायक बा और वहाँ गुरु के भी कमी नहीं खे। काहे कि अगर हर घर में गायक बा तो वह जन समुदाय में से गुरु भी बा और शिष्य भी बा। बिल्कुल बिल्कुल। चले दर्शक लोग बबलू भाई से गाना और भी सुने के बा, लेकिन अभी कार्यक्रम के एक ऐसा हिस्सा बा जौना के देख के आप कहब अजब गजब। यह ऑर्नामेंटल जेरेनियम के फूल, ये फूलन के खासियत ईबा की लगभग पूरा साल खिलल रहेला और अपने आसपास के वातावरण के खुशनुमा बनौले के काम करत रहेला। जिरेनियम के फूलन के एगो गजब खास बात ई हो कि बहुत सारा रंगन और आकार में पावल जाला और इसे भी अनोखा बात ई बा कि ई फूलन के प्रेमी डॉक्टर राजेश भल्ला इनकर 150 से ज्यादा प्रजातियन के पूरा दुनिया से इकट्ठा करके शिमला के वातावरण में उगावे में कामयाबी हासिल कैले बाड़े। तो लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है फूल पौधों में उतना ही है जितना पहले था, लेकिन जगह कम होने की वजह से फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जमीन खत्म होती जा रही है, वर्टिकल जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे फ्लैट्स बन रहे हैं उनके अंदर जो गमले में लगने वाले पौधे हैं उनकी बहुत महत्ता बढ़ती जा रही है। तो उसी श्रृंखला में जो पॉट प्लांट्स हैं, जिरेनियम जो एक प्लांट है उसमें इतनी वेरिएशन है, हमारे पास ही करीब यहाँ पर 170 रंग है इसके और करीब 40 किस्में हैं। इकट्ठा करके लावल गई जिरेनियम के किस्मन के डॉक्टर भल्ला एगो ग्लास हाउस में रखले बाड़े जेकर तापमान आदि नियंत्रित रहेला। एही ग्लास हाउस में रखल जिरेनियम के पौधा से नया पौधा भी बनावल जाला। जिरेनियम के फूलन के हर नस्ल के फूलन में अलग अलग खुशबू होखेला। एकर कुछ नस्ल तो हूबहू गुलाब और चमेली जैसन खुशबू हवा में बिखेरेला। एकरे अलावा यहाँ जिरेनियम के कई प्रजात ऐसन भी बा जिनके खुशबू से कीड़ा मकोड़ा भाग जाले। जी हाँ, तो ये रहल अजब गजब और अब हमने के आगे नहीं जा फिर अपना अतिथि के पास यानी कि घनश्याम भाई के पास। घनश्याम भाई, आप ये बताएं कि अपना गांव में आप कोनो गुरुजी से विधिवत संगीत के शिक्षा लेने की ना? जब ले हम रहले बानी मंगला तिवारी, अजय त्रिपाठी, सिब्बू सिंह, पप्पू सिंह सब हमके सिखवले बा। अच्छा, ये बताएं आपके फैमिली में के बाटे अभी? हमारा फैमिली में पिताजी बाना, माँ बानी। अच्छा, और भैया बाना। अच्छा, सिस्टर बानी। अच्छा, आपके पत्नी? पत्नी भी बानी। तो पूरा घर ये सब लोग सारा सदस्य एक जगह रहने या कहीं और? हमारे जन बानी पत्नी जी दिल्ली रहनी हमारे संगे। और बबलू जी से बातचीत हमने की और आगे भी जारी रखा। इनकर जिंदगी बड़ा एकदम एक अलग अलग हिस्सा के जो कहानी बाना वो बहुत रोचक बा। मतलब इतना इनोसेंट टाइप के भूला भाला एक ऐसन कलाकार जेकर प्रतिभा के कोनो जोड़ नहीं खे और बातचीत में बड़ा मासूमियत बा और जीवन के सच्चाई भी। बबलू जी, आपके गांव में जितना गुणी संगीत के गुणी जन लोग से भरल बा आपके गांव, तो उनका सबके बीच में रह के आपके पास लोकगीत के कितना कलेक्शन बा?
हमारे पास काफी गीत बटे और गीत का भंडार बटे हमारे पास। अच्छा एक बात और भौजी हम सोचते नहीं, एक लोक गीत गावेला आदमी जी गांव से ताल्लुक रखा था और गांव के माहौल में रहलबा, वो आदमी गजल के इतना जे आप कलेक्शन लेके आवे नहीं और अच्छा तरीका से आप गावे नहीं, एकर कारज बटे कुछ गजल की हम बचपन से इनके हम सुन ले बने। अच्छा और सुन सुन के बिल्कुल कान में अपना पिरोल बने इनके कैसे कैसे गाय के बा, अब बिल्कुल हम उनके सुन सुन के ही फॉलो कर हम सुन ले वाणी देवल जी इनके गजल भी और बिल्कुल वही तरीका से बहुत अच्छा गावेलन और ना विश्वास होके तो कहा सुनवा दी एगो तो चलता फिरता नमूना देखिए लेला पहला गीत में। अरे काहे ना तो हमने के दर्शक लो हमने के भी मन में एक बढ़िया सा गजल कोनो हो जाए गुलाम अली जी के कोनो एक बिल्कुल हम गुलाम अली जी का गाना सुना देते हैं जी। नगरी मेरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, नगरी नगरी मेरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, क्या है तेरा क्या है अपना पराया भूल गया, नगरी नगरी मेरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया। घर का रास्ता भूल गया, क्या है तेरा क्या है मेरा अपना पराया भूल गया, नगरी नगरी मेरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, घर का रास्ता भूल गया। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दर्शक लो अब देरी ना करिए, जब इतना बढ़िया हमने का गजल सुन लेनी जा तब पंडित जी के स्वागत कर जाओ। और पंडित जी के स्वागत करते हुए अब ई कहब कि आए दिन भर के अपन हाल चाल जाननी कार्यक्रम ग्रह गोचर में। शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शक लो आज हमने के यहाँ बहुत सुरीला एगो हमने के भाई आयल बड़े घनश्याम यानी की बबलू भाई, और बबलू जी के दो गीत हमनी के सुन लेनी एक से बढ़कर एक, और एकरा से पहले भी इनकर कई बार अपना बिहाने बिहाने में आगमन हो चुकल बा, तो आपके उस अनुभव कैसन रहल बिहाने बिहाने में आके? काफी बढ़िया रहल, हम गईनी घर तो बाबूजी
काफी हमके सराहना के लगाना बहुत बढ़िया गौला है। अच्छा। लेकिन एगो गाना हम गौले रहनी भोला बाबा का खिया लाले लाल बाटे कहना एगो चीज में एक लाइन भुला गेल कहे ना बाबू जी हम नहीं भुलाइल भुला गेल कहने के चल ठीक बा आगे से गलती ना हुई। कबड्डी गुल्ली डंटा कबड्डी और कुश्ती वॉलीबॉल सब हम खेल ले बने। अच्छा कबड्डी कबड्डी खूब जम के हो खूब खूब। बबलू आपके गांव में ई तो खूबी बा भाई कि आपके गांव में हर घर में एक गायक बा संगीत के पूरा लहर बा वहां और का खूबी बा आपके गांव में। हमारे गांव में कुश्ती बहुत बढ़िया होले। अच्छा। और वॉलीबॉल बहुत ऊंचा स्तर का होला हमारा गांव में। इंडिया लेवल का खिलाड़ी बना हमारा गांव में। मतलब वहां के माटी में ही कुछ ईश्वरीय वरदान बा। जी आपके खेल में कौन खेल में इंटरेस्ट बा आपके? हम जब छोटे तो हमके तो वह कुश्ती। अच्छा। जब हम सुतल नहीं तो हमके भोरे में उठा के ले जाए एक चाचा थे बगल के। अच्छा। चलो तो तू जाके डंड बैठक मारा। अच्छा। तो हम उनका संगे 3 बजे भोर में डंड बैठक मारे शुरू कर दी। अच्छा। मारो के फिर अपन 6 बजे घर भैंस के थान के तक दूध एक लोटा मिला के पहले दूध पी ली पियला के बाद पानी आपके गांव के विद्यानंद भैया ही बतिया हमरे के बताओ विद्या कुल जानल बात। गांव के दूध इतना साचा होला इतना शुद्ध होला कि ओकरा में अगर एक लोटा पानियो मिला दिहल जाए तो पता ना लगे। बबलू कुमार घनश्याम भाई के माटी के खांटी चीज सब हमनी के शेयर करत रहनी इनकर अनुभव इनकर जानकारी इनकर गायकी इनकर दूध चुरा के पीना। लेकिन अब अभी तक हमनी के दो चीज अपना पसंद के सुननी है काहे कि इनका से खांटी चीज बहुत सुन चुकल बानी लेकिन अबरी वाला चीज जनबा रउआ सब के पसंद के यानी एक भोजपुरी गीत हो जाए। बिल्कुल हम एगो निर्गुण सुनाओ तनी खांटी। हाँ, बिल्कुल आ हा हा क्या बात हो जाए फिर हो जाए। बिल्कुल छूटेगा कैसे मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा 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 आपका। भाई भाई बात नो भाई एकदम चाप के मारा ऊपर तक ले टाइट करके क्या बात है। बात है इसको कहते हैं भोजपुरिया जवान खींच के मारो तान की पड़ जाए निशान। क्या बात है क्या तब लगा देला हमने के कार्यक्रम में तू जान और बहुत अच्छा लगल भाई और हमने के चाहे हम सके फिर जो भी मौका मिले तो दिल्ली से फुर्दे बगले में बाटे हमने के स्टूडियो आगे लगे काम बा। बिल्कुल हम क्या फोन करब हम दौड़ल बिल्कुल नंगे पांव चली आई। अपना बिहाने बिहाने के अंगना से एकदम जोड़ के रखिए अपन तान और एक आज आवे खातिर हमने की तरफ से ढेर सारा शुभकामना प्यार नमस्कार आशीर्वाद आप दोनों को भी प्रणाम बा।
और दर्शक भैया लोग को भी प्रणाम बा। दर्शक लोग तो आज के अतिथि से मिलके बहुत अच्छा लागल हुई और अब नेक सलाह और चिट्ठी के तरफ। और तैयार अगर बानी तो आई हमने के साथ मिलजुल के ले लिहल जाओ आज के नेक सलाह। आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत ही आम बात हो चुकी है। ये ना ही बड़े बुजुर्ग बट ऑल्सो हमारी युवा पीढ़ी जैसे 25 से 30 साल के लोगों को अफेक्ट करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है ये हमारा लाइफस्टाइल है। ये जो हमारे स्ट्रेस होता है सबसे जो तनाव जिसकी वजह से हम सोते नहीं हैं या फिर हम ज़्यादा चिंता करते हैं उससे हमारा ये हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा जो हमारी हम जो खान पान करते हैं जैसे कि फास्ट फूड ज़्यादा तली हुई चीज़ें फैटी चीज़ें इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे प्रेशर को। तो इसके लिए हम सबसे इजी उपाय क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना चाहिए। हमें टाइम नियमित खाना खाना चाहिए और टाइम से सोना और उठना चाहिए। और जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती तो वो ये ले सकते हैं जैसे ब्राह्मी का जूस और जटामांसी ये दोनों हमारे घर में उपलब्ध हो सकता है या फिर हम इसका पाउडर कभी किसी पंसारी के दुकान से ले सकते हैं और इसको दिन रात को एक चम्मच सोने से पहले ले सकते हैं तो ये काफ़ी निद्रा में लाभदायक होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम घर में काफ़ी सारे उपाय कर सकते हैं जैसे कि चुकंदर हम प्रयोग कर सकते हैं इसको सलाद के फॉर्म में या फिर जूस के फॉर्म में रोज़ लेने से हमें काफ़ी लाभ होगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि एक घरेलू नुस्खा आपको बताती हूँ उसके लिए हम लेंगे जीरा 250 ग्राम 50 ग्राम काली मिर्च और 300 ग्राम देसी खांड या फिर मिश्री जो आपके पास हो। सबसे पहले जीरा को हम एक तवे पे गरम कर भून लें और उसको हल्का सा ब्राउन होने के बाद उसे हटा दें। फिर हम इन तीनों चीज़ों को जीरा काली मिर्च और खांड या फिर मिश्री को छान लें छन्नी से और इसको फिर कांच की शीशी में रख लें। उसके बाद हम नियमित रूप से इसको दिन में 2 बार प्रातः सायं 8 से 10 ग्राम खाएं और जल के साथ ले सकते हैं। गुनगुने जल से ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको हम 3 से 6 महीने लेंगे तो हमें काफ़ी लाभ आएगा। इस घरेलू नुस्खे के बहुत सारे फायदे हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल रखता ही है बट लो ब्लड प्रेशर को भी संतुलित रखता है। इसके अलावा ये कब्ज और गैस बनना और जैसे खट्टे डकार जिसको अम्ल पित्त की शिकायत है उन्हें भी बहुत लाभ होता है। बहुत बढ़िया नेक सलाह के बाद अपनी फिर आगे चिट्ठी पत्री की तरफ। लेकिन बहुत ये नेक सलाह से बहुत फायदा बहु फायदा तो बढ़ने बा देवर जी। अब तो बार बार कहता नहीं ये बात के कि आदमी वैसे अपने आप में बहुत समर्थ बा बहुत एकदम सक्षम तरह के अपना अपना तरह के ज्ञान से लेकिन हर आदमी अलग अलग क्वालिटी के अगर थोड़ा थोड़ा बंटवारा आदमी में हो जाए तेकरा में तो भलाई बा उहे बा नेक सलाह में। तो नेक सलाह के अगर हम संयोग के अपना सुरक्षित अपना पास रख लेता नहीं तो कभी न कभी काम आवेला। हाँ, और जीवन में ऐसे संग्रह करे के चाहिए जानकारी। बिल्कुल सही बात बा। चिट्ठी आयल बटे ओ झारखंड से पत्रातू से आयल बटे निक्की के दृष्टि के सोनू के लिखा था लो आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है आप लोग नमस्कार। दीपू सोनू निक्की और दृष्टि आप सबको भी नमस्कार। और यहाँ के लिखा था हम लोगों को विश्वास है कि आपका कार्यक्रम बहुत दिनों तक चलेगा और बहुत सक्सेस प्रोग्राम है और आप लोग दिन प्रतिदिन और ही इसको अच्छा बनाते जा रहे हैं इसलिए हम सबों की शुभकामनाएं आप सबों के साथ और ऐसे ही आगे बढ़िए और कार्यक्रम में हमेशा भजन जरूर सुनवाइए। आप सबके सलाह हमने के सर माथा पर और आपके सलाह के अनुसार हमने के हौसला भी बढ़ेला और कार्यक्रम के अच्छा से अच्छा बनावे के हमने के प्रयास भी जारी रहेला। तो आप सबको पत्र के खातिर और शुभकामनाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। एक साथे भौजी हो बतावा तहर पेट के हाल बा। हे महारानी अब कुछ मामला ठीक है। मामला ठीक तब रही देवर जी जब सही अनुपात के मात्रा में जरा नाप के तोल के कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए खैला से मामला गड़बड़ हो जाता है। हे महारानी जो भी मैं भोजन ग्रहण करता हूँ वो शुद्ध और डोज के हिसाब से करना चाहता हूँ महाराज। बिल्कुल लेकिन आप जो है इतना बढ़िया बनाती हैं थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाता है। अब मैं इसका क्या निवारण करूँ वत्स इसका तो कोई निवारण है ही नहीं। कल से मैं आपके लिए मरगिल्ला और नमक डाल के बना दिया करूंगी एक हड़िया वत्स आप जितना चाहे उतना खाएं। चलेगा रानी चलेगा चलेगा महारानी ठीक है। हे महारानी हाँ वत्स चले के समय हो गई। बिल्कुल समय हो गई बा आपके जल्दीबाजी के अनुभव हमरा बा तो अपना दर्शक लोग से विदा तो ले लो। जी दर्शक लोग चलिए काल मिले के वादा करते हुए हम अजीत आनंद और हम विजया भारती के तरफ से आप सबके प्रणाम। बिहाने, बिहाने।